काम किया है, एक प्रयास किया है। आज का ये धरना क्यों है, इस बात को हम लोगों के लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की आजादी मिली और गणतंत्र या रिपब्लिक देश बना, इसके बाद जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स है उसमें हम लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले, जिसके तहत में हर मनुष्य को बात कहने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कम देखा गया था, हालांकि 1923 में एक एक्ट बना था जिसमें कि सार्वजनिक स्थानों पर सबके लिए स्थान खुले थे, उसी के तहत बाबा साहब ने बहुत सारे संघर्ष किए। आज का मामला केवल यह है कि भारत का गणतंत्र राष्ट्र बना, रिपब्लिक राष्ट्र बना, उसमें हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स रखे गए हैं, जिन लोगों के लिए कानून नहीं बने हैं उनमें कानून बनाने के लिए बहुत सारे अभी भी संविधान में प्रावधान है। लेकिन हमारे साथ मुख्य बात यह है कि एक तरफ से हमारे बीच में आर्टिकल 12, 13, 14 कांग्रेस होने आता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसमें सबको मूल अधिकार मिला है, परंतु आर्टिकल 25-14 में धार्मिक आधार पर जो बौद्ध है, सिख है, जैन है, उनको हिंदू धर्म में रखा गया। इसका मूल कारण यह है कि जिनका कोई पर्सनल लॉ नहीं है उसको, उनको सभी को हिंदू पर्सनल लॉ में चुना गया। अब प्रश्न यह है कि बौद्धों का कानून नहीं है, बौद्धों का कानून न होने से बौद्ध पर्सनल लॉ में ही उनको इंक्लूड या कंक्लूड किया गया है। अब बौद्धों का कानून कैसे बने ये हमारे सामने महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाबा साहिब ने इस पर अध्ययन करके एक बात हम आपके बीच में रखी थी कि हिंदू पर्सनल लॉ जो 1955 और 1956 में पास हुआ, जिसमें मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, माइनॉरिटी एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, चार भाग में है, उसमें उस समय बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म में ही रखा गया, क्योंकि भगवान बुद्ध बाबा साहिब उस समय बुद्ध धर्म को नहीं एडॉप्ट कर पाए थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को रखा, एडॉप्ट किया, संपत्ति किया, संविधान हमारा 25 नवंबर 1949 को पारित हो गया था और यह हुआ था कि 26 जनवरी से यह लागू होगा, तो उस समय यह बात नहीं बन पाई। लेकिन 56 में जब 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने धर्म का प्रपत्र किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में जो पांचवी प्रतिज्ञा है कि बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है या झूठा प्रचार है, उसको मैं नहीं मानता हूं। अतः यह बात हुई कि जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, हिंदू धर्म की वस्तु में कहा जाता है, भगवान को बाबा साहब ने उसको नहीं समझा, उसको खत्म किया। लेकिन बाद में वो ज्यादा समय नहीं रहे हमारे बीच में चले, इसलिए कानूनी प्रक्रिया वो नहीं कर पाए। बहुत समय के बाद 80-81 में महाराष्ट्र सरकार में बिल लाया गया था पर्सनल बिल, उसको भी दबाव डाल करके या गुमराह करके कि जैसे कि थानों में कहा जाता है कि तुम अपनी तहरीर वापस ले लो, हम इसका अपने हिसाब से मुकदमा दायर करेंगे, उसी प्रकार से वो वापस ले लिया गया और 1984-85 के बाद कोई बात नहीं होती। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो बुद्ध भगवान बुद्ध के संगठनों को चलाते हैं, उनके नाम पर संगठन चलाते हैं, उन्होंने यह प्रयास किया है कि ये हमारा कानून होना चाहिए। हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि बौद्धों का कानून क्यों होना चाहिए, कैसे लोग ये प्रश्न पूछते हैं। मैं उन लोगों से केवल ये कहता हूं कि भारतीय संविधान की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए, अगर भारतीय संविधान यहाँ नहीं है तो आप अपनी चारपाई पर नहीं बैठ पा रहे थे, कुएं पर नहीं चढ़ पा रहे थे, स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे थे। जब संविधान बना तब आप उसके अंतर्गत आपको ये मालूम, आपको ये
सुविधाएं मिली। उसी प्रकार से उद्धम का कानून न होने के कारण आपकी वैवाहिक प्रक्रिया मान्य नहीं है, आपके पुत्र विहार आपके नहीं है, आपकी जितनी शैक्षिक डेवलपमेंट पाली भाषा का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बौद्धों के इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए उनके मैनेजमेंट के अंतर्गत वो नहीं है, इसलिए सांस्कृतिक आपकी कोई भी विरासत नहीं है। इसलिए बहुत प्रश्न लोग बनेगा और इसको डाप करके हम लोगों ने सरकार को 26 अप्रैल 2018 को सबमिट कर दिया है। जब हमने 23, 24, 25 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भवन में इस 3 दिन का धरना दिया था उसमें उनको सबमिट कर दिया ड्राफ्ट करके, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइन इशू की है सरकार को कि बौद्धों का प्रश्न 6 महीने के अंदर बनना चाहिए, अगर उनको जरूरत पड़े तो लाख कमीशन बैठाना चाहिए, लेकिन सरकार ने 1 साल हो गया, ये 3 जनवरी 2017 का आदेश है, आज लगभग 1.5 साल हो गया है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं अपने बौद्ध संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ, साथ साथ किस किस स्थितियों में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो संसद सदस्य के मेंबर हो, चाहे वो विधानसभा के मेंबर हो, चाहे वो IAS IPS हो, किस स्तर पर काम कर रहे हैं या गांव में भैंस चराने वाले लोग हो, ये सबकी जिम्मेदारी है कि बुद्धम का कानून होना चाहिए। जिस दिन बुद्धम का कानून बनेगा, जिस दिन पर्सनल लॉ बनेगा, विश्व के 40 जो बौद्ध देश है इस देश को बौद्ध देश कहने लगेंगे, अन्यथा हमको कोई बौद्ध मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आपका कानून नहीं, जिसका कानून नहीं है उसका खेत नहीं होता है, जिसका कानून नहीं है उसका कोई मान्यता नहीं होती है, वो सिर्फ भीख पर निर्भर करते हैं। अगर कोई आपको 2 टुकड़ा जमीन रहने के लिए दे दे तो उसकी मर्जी है, लेकिन खेत अगर आपके नाम है तो आप उस खेत को कुछ भी कर सकते हैं।